स्विक इन डिलीशियस रेसिपी में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे आलू की सब्जी जो बहुत ही चटपटी और बहुत ही टेस्टी होती है और इसे कोई भी बना सकता है, बच्चे भी बना सकते हैं, बहुत आसान है इसे बनाना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करिए। तो आइए देखते हैं इसे हमें कैसे बनाना है। तो हमने गैस पर कढ़ाई रख दिया है, गैस को मैंने ऑन कर दिया है। अब इसके अंदर हम तेल डाल देंगे 2 से 3 चम्मच। हमने सरसों का तेल लिया है, आप कोई भी ले सकते हैं कुकिंग ऑयल। इसे अच्छे तरीके से गर्म होने देंगे। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है, तो अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 हरी मिर्च, मैंने इसे काट कर 20 से इस तरीके से इसके 4 टुकड़े कर लिए हैं। 1 टुकड़ा अदरक का मैंने छोटे टुकड़े में कर लिया है। 1 डंडी करी पत्ता हमने लिया है और 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच काले सरसों के दाने और 1 छोटा चम्मच हमने सफ़ेद तिल लिया है। तो इसे हम तेल में डाल देंगे। आँच को हम थोड़ा सा धीमा कर देते हैं और ये सारी चीज़ें इसके अंदर हम डालेंगे। इसे हमें हल्का सा ब्राउन करना है। तो तड़का हमारा ब्राउन हो चुका है, तो अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 प्याज, मैंने इसे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। इसे भी इसके अंदर हम डाल देंगे और इसे हल्का सा ब्राउन होने तक हम भूनेंगे। ये आलू बहुत जल्दी बन जाती है, खाने में बहुत टेस्टी होती है। आप इसे रोटी, पराठे या फिर पूरी के साथ खाइए, बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं, ऑफिस में भी दे सकते हैं। इसे खाने में बहुत टेस्टी होती है और बहुत जल्दी बन जाती है। तो इसे हल्का सा ब्राउन होने देते हैं। तो प्याज भी हमारी ब्राउन हो चुकी है, बहुत ज़्यादा हमें इसे नहीं जलाना है। तो हमने इसके अंदर मसाला डालने के लिए जो लिया है वो आपको दिखा देते हैं। ये हमने 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर, ये भुना और पिसा हुआ जीरा पाउडर है, लाल मिर्च 1/2 चम्मच, 1 छोटा चम्मच हमने आमचूर पाउडर लिया है खटास के लिए, इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है आलू में, 1/2 चम्मच हमने गरम मसाला लिया है और 1 छोटा चम्मच नमक, नमक हमें स्वाद अनुसार लेना है। तो आँच को हमें धीमा कर देना है और ये सारे मसाले हम इसके अंदर डाल देंगे। इसे हल्का सा भूनेंगे 10 सेकेंड के लिए। तो मसाला हमारा भुन चुका है, अब हमें इसके अंदर 3 से 4 चम्मच पानी डाल देना है जिससे मसाला हमारा अच्छी तरीके से भुन जाए। बस इसे मिला देंगे और हम 2 मिनट तक मसाले को पकने देंगे। तो मसाला हमारा अच्छी तरीके से भुन चुका है, आप देख सकते हैं मसाला और तेल अलग होना शुरू हो गया है। तो अब हम इसके अंदर ये आलू डालेंगे। मैंने 1/2 किलो आलू, 500 ग्राम आलू उबाल करके, छील करके और इसे इस तरीके से बड़े टुकड़ों में काट लिया है। तो इसे हम इसके अंदर डाल देंगे। इसे अच्छी तरीके से मिलाएंगे और इसे हम 2 मिनट तक भूनेंगे। तो इसे हमें बराबर चलाते हुए भूनना है। आँच को हमने इसमें मीडियम पर रखा है, तो इसे हम 2 से 3 मिनट तक बराबर चलाते हुए भूनेंगे जिससे तेल मसाला सब आलू के अंदर आ जाए। तो बस साइड से और इस तरीके से चलाते हुए हमें बीच में करना है जिससे ये अच्छे से भुन जाए। बहुत तेज़ आँच नहीं करना है, नहीं तो ये जल जाएगी। तो इस तरीके से आप आलू बनाकर देखिएगा, ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है और बहुत जल्दी बन जाती है। बस आलू उबाल कर, छील कर, इसे काट करके रख लें, बस बनाने में इसको टाइम नहीं लगता है। आप जब भी चाहें आलू को उबाल कर, छील कर और इसे फ्रिज में रख सकते हैं, जब आपको सूखी सब्जी बनानी हो, फटाफट बन जाती है। तो आप देख सकते हैं ये भूनने के बाद किस तरीके से अच्छे से इसके अंदर मसाला लिपट गया है, तो देखने में अच्छी लगने लगी है और इसमें अच्छी खुशबू भी आने लगी है। तो बस इसी तरीके से थोड़ी देर इसे हम और भूनेंगे, तो आपको देखने में ही लगेगी इसका कलर कितना अच्छा होता जा रहा है। तो आलू हमारी अच्छी तरीके से भुन चुकी है, आप देख सकते हैं ये कढ़ाई से बिल्कुल चिपक नहीं रही है और ये हल्की सी सूंधी भी हो गई है, अच्छी खुशबू आने लगी है इसमें। हम ऊपर से थोड़ी सी कटी हुई हरी धनिया डाल देते हैं। बस अब हम गैस को बंद कर देंगे और सब्जी की प्लेटिंग कर लेंगे। ऊपर से थोड़े से हरी धनिया से गार्निश कर देते हैं और हमारी बहुत ही टेस्टी सी चटपटी सी आलू बनकर तैयार हो गई है। आप भी इसे जरूर ट्राई करिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।